स्टूडेंट्स, डीकेवी ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज है लेक्चर 4 और आज से हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के रेगुलर टॉपिक्स हम करेंगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसके दो मुख्य भाग हैं, एक तो स्टैटिक्स या स्थैतिकी, जिसमें कणों पर बलों के प्रभाव से साम्यावस्था का अध्ययन किया जाता है, और दूसरा है गति विज्ञान, गति की कणों पर बलों के प्रभाव से गति में परिवर्तन। कण या पिंड है, उस पर कई सारे बल अगर कार्य कर रहे हैं, तो अगर उन बलों के प्रभाव से वस्तु अगर साम्यावस्था में है तो किस प्रकार से वो साम्यावस्था में है, या फिर किस प्रकार से एक बल और लगाया जाए कि वस्तु है वो साम्यावस्था में आ जाए, ये सारे जो अध्ययन है वो हम स्टैटिक्स में करते हैं, स्थैतिकी विज्ञान में करते हैं। और वस्तु एक बार जब गतिमान हो जाए तो उसके बाद उस पर जब बल अगर लगते हैं तो उन बलों के प्रभाव से वस्तु के गति में किस प्रकार से परिवर्तन आता है, वो जो अध्ययन हम करते हैं वो गति विज्ञान में करते हैं। इनको समझने के लिए पहले हम समझेंगे दृढ़ पिंड, रिजिड बॉडीज। अगर किसी पिंड जो कि कणों से बना है और सभी कण हैं एक दूसरे से समान दूरी पर रहते हैं हमेशा, तो हम कहेंगे कि वो जो पिंड है वो दृढ़ पिंड है। जैसे कि हमने एक गीली मिट्टी की बॉल ली और अगर उसको थोड़ा सा भी दबाएंगे तो वो बिखर जाएगी, उसके जो कण हैं वो आपस में एक दूसरे से जो उनकी दूरी थी वो परिवर्तित हो जाएगी, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो दृढ़ पिंड नहीं है। सामान्यतः एक पत्थर है, उसको दबाते हैं तो पत्थर है वो वैसा का वैसा रहता है, उसके जो कण हैं वो उसी दूरी पर रहते हैं दबाने से जो पहले उनकी दूरी थी। तो बलों के प्रभाव से हम ये मानते चलते हैं कि दृढ़ पिंड वह पिंड है जिसमें जो कण है वो आपस में दूरी है उनकी परिवर्तित नहीं होती। दूसरा है द्रव्यमान। जो पिंड है जिस द्रव्य का बना हुआ है उसका जो परिमाण है वो इसका द्रव्यमान कहलाता है। जो द्रव्य का जो परिमाण है उसका जो परिमाण, और उसको हम या तो ग्राम में लिखते हैं या किलोग्राम में लिखते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि IAS पद्धति में जो यूनिट्स है उसको लिखने का एक तरीका है। अगर हम ग्राम को अगर यूं लिखते हैं तो वो गलत है, किलोग्राम को अगर हम यूं लिखते हैं या ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ये सारे गलत हैं। हम परीक्षा में प्रश्न पूरे अच्छी तरह से कर आते हैं, बिल्कुल सही होता है, परंतु हमें ये शिकायत रहती है कि हमें पूरे मार्क्स नहीं मिले, तो कहीं ना कहीं हम कहीं ना ऐसी गलती करते हैं जिससे हम अनभिज्ञ रहते हैं। तो ऐसी गलती ना करें, यूनिट्स हैं उसी रूप में लगाएं जिस रूप में उनको मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट है विराम अवस्था या गति की अवस्था। अगर अपने चारों ओर की जो वस्तुएं हैं उनसे पिंड की जो दूरी है समान रहती है तो वो विरामावस्था में है, दूरी है वो समान रहती है तो विरामावस्था में है, और गति की अवस्था में उसके चारों ओर जो वस्तुएं हैं उनके सापेक्ष उसकी जो दूरी है वो समान नहीं रहती। अगर समान रहती है अपने जो आसपास की वस्तुएं हैं उनके सापेक्ष तो वस्तु विराम अवस्था में है। हम जानते हैं कि अगर सड़क पे कोई व्हीकल खड़ा है, कोई गाड़ी खड़ी है, विराम अवस्था में है जब तक कि उस पर कोई बल नहीं लगाया जाता, और गतिमान जो चीजें हैं वो हम जानते हैं किस प्रकार से गति में होती है। नेक्स्ट है बल, फोर्स। फोर्स कैन बी डिफाइंड एज अ पुश
or a pull. A push or a pull can be defined as a force. हम जब भी किसी बड़े शोरूम में जाते हैं तो वहां पर एक कांच का एंट्रेंस लगा रहता है और वो एंट्रेंस पे लिखा रहता है पुश या पुल। तो जब पुश लिखा रहता है तो हम उसको धकेलते हैं और जब पुल लिखा रहता है तो हम उसको खींचते हैं। तो ये धकेलने और खींचने की प्रक्रिया में जो कब्जे के एक्सिस पर जो वो दरवाजा है वो घूमता है। घर में भी दरवाजा जब हम खोलते हैं तो कब्जों के एक्सिस पर दरवाजा खुलता है या बंद होता है। तो ये जो कारक है जो पुश या पुल, जिससे कि दरवाजा खुला या बंद हुआ या बाहर की तरफ आया या अंदर की तरफ गया, जिससे कि हम उस दरवाजे से प्रवेश कर पाए, ये कारक है वो बल कहलाता है। इसको अगर दूसरे रूप में अगर समझें तो समान गति में अगर कोई पिंड है या विरामावस्था में है तो इस समान गति से अगर उसकी गति में परिवर्तन करके उसको गति को थोड़ा मंद कर दें या वस्तु है वो स्वयं विरामावस्था में आ जाए, ऐसा जो कारक है वो बल कहलाता है। या फिर जो विरामावस्था है उससे वो गति करने का प्रयास करे या गति में उसको ले आए। एक बार फिर से समझते हैं, ऐसा कारक अगर पिंड पहले से सामान्य गति में है तो उसकी गति को या तो मंद कर दे या विरामावस्था में ले आए पिंड को, या फिर ऐसा करने का प्रयास करे, तो ऐसा जो कारक है वो बल कहलाता है। अगर वस्तु पहले से विरामावस्था में है तो वह कारक जो वस्तु को गतिमान बना दे या गतिमान बनाने का प्रयास करे तो वह कारक है वो बल कहलाता है। दीवार पर हम बल लगाते हैं परंतु दीवार है वो वही की वही रहती है, परंतु प्रयास हम करते हैं। बहुत ज्यादा अगर प्रयास किया जाए तो बहुत ज्यादा बल अगर लगाया जाए तो दीवार है वो गिर सकती है। बल को डिफाइन करने के लिए जो उसका मात्रक है वो है न्यूटन, जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो न्यूटन है, एक न्यूटन बल, वह बल है जो कि एक किलोग्राम के पिंड में एक मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। वह बल जो कि एक किलोग्राम के पिंड में एक मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे वो एक न्यूटन बल कहलाता है। ये तो हो गया बेसिक यूनिट। अब अगर बल है तो वो 10 न्यूटन भी हो सकता है, 15 किलो न्यूटन भी हो सकता है। तो देखिए किलो न्यूटन जब हम लगाएंगे तो स्मॉल के लगाएंगे और कैपिटल एन लगाएंगे। बल को पूरी तरह डिफाइन करने के लिए चार हमें चीजें आवश्यक होती हैं। इसमें सबसे पहला है परिमाण, जो हमने यहां देखा कि उसका परिमाण कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, जैसे कि 10 न्यूटन, 25 किलो न्यूटन, तो ये तो हुआ उसका परिमाण। दूसरा है उसकी दिशा, बल्कि दिशा किस तरफ है। अगर दिशा के लिए एक बार फिर हम ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ बनाए और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर कोई बल हमें दे रखा है नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जब हम 60 डिग्री चलेंगे, ये 60 डिग्री नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जब ये 60 डिग्री चलेंगे तो ये ओ ए दिशा में ये बल की दिशा है। तीसरा है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि क्रिया बिंदु। दरवाजे के कुंदे के पास जहां पर हैंडल लगा रहता है, अगर हम बल लगाते हैं तो बहुत कम बल लगाकर ही दरवाजा खुलता है या बंद हो जाता है। अगर यही बल हम कब्जे के पास अगर लगाएं तो उससे दरवाजा खुलेगा नहीं और बंद भी नहीं होगा, यानी कि हमें बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा कंपैरेटिवली जो हैंडल पर बल लगाते हैं दरवाजे को खोलने या बंद करने के लिए। तो इससे एक चीज निश्चित होती है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, बल का जो क्रिया बिंदु है, वो भी हमें जानना आवश्यक है कि
पिंड पर किस बिंदु पर वो बलघु कार्यरत है। और चौथा है क्रिया रेखा, लाइन ऑफ एक्शन। देखिए ये जैसा मैंने बताया ये डायरेक्शन ईस्ट है, तो अगर ये ईस्ट की तरफ मैं मेरे दोनों हाथ कर दूं तो ये दोनों हाथ ईस्ट की तरफ है, परंतु अगर इन हाथों के अनुदिश अगर कोई बल लग रहा है तो निश्चित रूप से उनकी क्रिया रेखा दोनों की अलग है। परंतु स्थिति में हम जनरली टू डायमेंशनल फोर्सेज हैं उनका स्टडी करेंगे, समतलीय बल जिनको कहते हैं, समतलीय बल समझ लेते हैं। जैसे एक ये लंबाई है और ये ऊंचाई है और इस तल में कोई भी बल कार्य कर रहा है, कितने भी बल कार्य कर रहे हैं वो सारे समतलीय बल कहलाएंगे, यानी कि इस बोर्ड के जो बनाए हैं डायरेक्शंस उसी डायरेक्शन में हैं, इस प्रकार से कोई भी बल नहीं है, इस प्रकार से कोई भी बल नहीं है, तो वो समतलीय बल कहलाते हैं। तो जब समतलीय अगर बल होंगे तो लाइन ऑफ एक्शन और दिशा है वो एक ही हो जाएगी, जैसे कि अगर समतलीय बल है तो OE दिशा है वो ईस्ट होगी और वही उसकी लाइन ऑफ एक्शन भी होगी, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को मालूम है कि ओ से ए दिशा में लग रहा है। अभी हम आगे देखेंगे कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को बॉडी पर आगे भी बढ़ाया जा सकता है, जिसको कि कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो जिस तरह हमने देखा कि मुख्य रूप से दो चीज तो हमें बल के लिए मालूम होनी चाहिए कि एक तो उसका परिमाण कितना है और एक उसकी दिशा क्या है, और हम जानते हैं क्योंकि बल है एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको पूर्णतः डिफाइन करने के लिए, परिभाषित करने के लिए इसका परिमाण और दिशा दोनों आवश्यक हैं, और विशेष परिस्थितियों में जब हम मोमेंट्स वगैरह निकाल रहे हैं तो उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी फलक्रम से हमें मालूम होना चाहिए। अगर संतुलन की अगर हम अवस्था देखें तो पहले हम संगामी बल देखते हैं, समतलीय बल देख लिया हमने, संगामी बल क्या होते हैं, हमने जब संगामी सदिश पढ़े थे पिछले लेक्चर्स में तो उसमें हमने देखा था कि एक बिंदु पर जो सदिश मिलते हैं उनको संगामी सदिश कहते हैं, बल क्योंकि एक सदिश राशि है तो अगर कई सारे बल उनकी क्रिया रेखाओं को आगे या पीछे बढ़ाया जाए और एक बिंदु पर अगर वो मिलते हैं तो वो संगामी बल कहलाएंगे। जैसे कि ये कोई बिंदु है, इस पर ये बल कोई कार्य कर रहा है और ये कोई बल कार्य कर रहा है, ये कोई बल कार्य कर रहा है, ये कोई बल कार्य कर रहा है, बिंदु O पर ये है फोर्स A, ये है B, क्योंकि वेक्टर है तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटी पर लगा देते हैं, ये है फोर्स C और ये है फोर्स D। अगर फोर्स डी की क्रिया रेखा को आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ये बिंदु ओ पर मिलता है, फोर्स डी की क्रिया रेखा को अगर पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो ये बिंदु ओ पर मिलता है। तो इस प्रकार से ये चारों बल ए बी सी डी ये संगामी बल कहलाएंगे, जो कि एक बिंदु पर मिलते हैं, इनको कॉन्करेंट फोर्सेस भी कहते हैं। संतुलन की अवस्था को अगर हम समझने की कोशिश करें तो रस्सा कशी का जो खेल होता है उसमें दो टीम होती है, उनके हाथ में एक रस्सा होता है और पांच खिलाड़ी अगर इधर हैं, पांच खिलाड़ी इधर हैं और दोनों अगर खींचते हैं, रस्से का एक सेंटर पॉइंट होता है, अगर वो सेंटर पॉइंट शिफ्ट हो रहा है इसका मतलब है कि उस तरफ बल है वो ज़्यादा लग रहा है, और एक दो निशान लगाते हैं, उस निशान से अगर वो सेंटर पॉइंट आगे चला जाता है तो एक टीम है वो जीत जाती है और दूसरी टीम हार जाती है। तो अगर वो निशान अगर सेंटर में ही रहे, दोनों तरफ से बराबर बल लग रहा है, बराबर बराबर बल लग रहा है और रस्सा है वो लाइन ऑफ एक्शन को निर्देशित करता है, तो हम कहेंगे कि दोनों तरफ हैं वो बल हैं वो संतुलन की अवस्था में है। तो अगर बल का अगर संतुलन अगर हम समझें तो एक बल 15 न्यूटन का अगर ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका अगर हमें संतुलन देखना है बिंदु ओ पर, तो इसके विपरीत उसी परिमाण का 15 न्यूटन का बल वेस्ट डायरेक्शन में भी लगना चाहिए, तो ये बल संतुलित अवस्था में रहते हैं। एक बल को संतुलित करने के लिए
ऋण, जैसे ऋण सदिश होता है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में वो बल आवश्यक है। कई बार कई सारे बल हैं, उनका जो परिणामी हम निकालेंगे तो कई सारे बलों को जो संतुलित करने के लिए पहले हम उनका एक परिणामी निकालेंगे, और जो भी परिणामी का परिमाण और सदिश होगा उसके विपरीत दिशा में एक बल लगा देंगे उसी परिमाण का, परंतु विपरीत दिशा में, तो जिससे कि वो सारे बल हैं वो संतुलन की अवस्था में आ जाएंगे। दिस वी विल सी इन कंपोजिशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अब नेक्स्ट है बलों का प्रकार।